बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं। 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक कर रहे हैं और उनका संवाद जारी है। तो 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ वो संवाद कर रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के 9 जिलों के डीएम भी बैठक में शामिल हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अहम बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी कर सकती है ममता बनर्जी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक जारी है। 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर एक्शन मोड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में 10 राज्यों के 54 डीएम शामिल हैं और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात सामने आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम लाइव अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनसे हम बात करेंगे और उनसे ये तमाम खबरें लेंगे। अविनाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक और अहम बैठक कर रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। हाँ बिल्कुल, देखिए ऋतिक, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकें की हैं, वो अपने अधिकारियों के साथ हो या अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हो या बुद्धिजीवियों के साथ हो, डॉक्टर्स के साथ हो, तमाम बैठकें हुई हैं। लेकिन ये दूसरी बार है जब जो जिले के अधिकारी हैं उनसे बैठक की जा रही है और उनसे जिले वाइज स्थितियों के बारे में भी जाना जा रहा है। हालांकि इस बैठक में कई मुख्यमंत्री भी शामिल हो गए और जैसा कि बड़ी खबर यह भी है कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल होंगी और वो भी अपनी बातें रखेंगी, क्योंकि देखिए बंगाल में चुनाव खत्म हुए हैं और बंगाल में भी कोरोना को लेकर स्थितियां खराब हो रही हैं। 19,000 के आसपास रोज नए मामले आ रहे हैं और ठीक होने वाले मामले जो है वो भी लगभग उतने के ही बराबर है, लेकिन वहां भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमण वहां पे बढ़ रहा है, एक्टिव मरीजों की संख्या वहां पर बढ़ रही है, जिसको लेकर बंगाल की भी स्थिति खराब हो रही है। हालांकि सबसे ज्यादा स्थिति अगर कहीं भी खराब है तो वो फिलहाल कर्नाटक है, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी लगभग 6 लाख के नीचे है, लेकिन वो 6 लाख ही मान के चले क्योंकि स्थितियां वहां पर भी लगातार बिगड़ रही है। हालांकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से स्थितियां रही वो अब सुधर रही है, लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गांव तक कोरोना के संक्रमण को जाने से कैसे रोका जाए। एक सवाल अविनाश, एक सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला स्तर पर बैठक कर रहे, जिलाधिकारियों के साथ 54 डीएम के साथ बात कर रहे हैं और जो देश में हालात हैं और जो गांव के जो तबके के हालात है, जहां पर वेंटिलेटर्स भी नहीं है, जहां पे कमी है ऑक्सीजन की, क्या उन पर भी बातचीत की कोई बात सामने आ रही है? बिल्कुल, ये बातचीत हो सकती है, क्योंकि देखिए लगातार मीडिया में या सोशल मीडिया के जरिए ये तमाम खबरें चल रही है जिसको सरकार देख रही है, समझ रही, क्योंकि इससे पहले भी जब बैठक हुई थी जिलाधिकारियों के साथ तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने कहा था कि गांव तक जो मशीनें भेजी जा रही है, ये जो मशीनें हैं उनका समुचित व्यवस्था में उनके रख रखाव की स्थिति हो, वो सही तरीके से चले, उनके लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मशीनें रखी हुई हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उन मशीनों का इस्तेमाल होना चाहिए इस पैंडेमिक स्थिति में, अगर नहीं होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बात सीधी तौर तरीके से समझनी होगी कि जितनी मशीनें हैं कम से कम उतना का तो इस्तेमाल होना चाहिए, रख कर उन मशीनों का हम क्या करेंगे जब लोगों को हम बचा नहीं पा रहे। देखिए अब तक शहरों में संक्रमण बहुत ज्यादा रहा है, चाहे वो बात हम दिल्ली की कर लें, मुंबई की कर लें, या पटना की कर लीजिए, या तमाम और जो बड़े शहर हैं वहां की कर लीजिए, वहां की स्थितियां खराब है, लेकिन अभी तक गांव इससे उतने बड़े स्तर पर संक्रमित नहीं है, लेकिन अब गांव में भी संक्रमण फैल रहा है, जा रहा है, तो वहां पर अगर स्थितियां खराब होती हैं तो फिर बहुत स्थिति बिगड़ जाए। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिलों डीएम है उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने बातचीत की थी और जिलाधिकारियों के साथ हुआ। बिल्कुल, गांव की बात की अविनाश, आपने गांव की बात की है और गांव की बात की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज बैठक कर रहे हैं गांव में, तो टेस्टिंग के लिए भी बढ़ाने पर भी वो बात कर सकते हैं, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो टेस्टिंग वहां पर बहुत कमी देखने को मिले जो शहर के कंपैरिजन में बात की जाए तो। बिल्कुल, टेस्टिंग गाँव में कितनी हो रही है इसकी संख्या नहीं आती है। देखिए हालांकि टेस्टिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा है, लेकिन उस स्तर पर हो नहीं पाता है, चाहे बात अधिकारियों की कर ले या प्रधानमंत्री की कर ले, बिहार के मुख्यमंत्री की कर ले या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कर ले, स्वास्थ्य मंत्रियों की कर ले, ये लगातार कहते जरूर है कि टेस्टिंग बढ़ानी है, अपने अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई है, लेकिन टेस्ट उस स्तर पर नहीं हो पाता है। भारत में
अभी कल जब मैं कोरोना बुलेटिन कर रहा था तब की अगर टेस्टिंग की संख्या की बात करें तो 20 थोड़े ज्यादा टेस्ट किए गए थे। अब एक बात आप जान लीजिए, जहाँ 135 करोड़ की जनता रहती है, जनसंख्या है, वहाँ पर 20 लाख टेस्ट एक दिन में होते हैं, तो ये किस तरीके से है? यहाँ इतने राज्य है, राज्यों में इतने अपने स्तर पर स्वास्थ्य महकमे हैं, कितनी स्थितियां हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टेस्टिंग को बढ़ाना, इस पर चर्चा हो सकती है। साथ साथ जिलों की क्या स्थिति है इसको लेकर वो बातचीत करेंगे, अपने कुछ निर्णय या फिर अपने कुछ जो निर्देश होते हैं वो देंगे इस बैठक में। इस बैठक में ये इस बात पर चर्चा हो रही होगी कि जो जैसे केरल में पिछले दिन हमने देखा कि एक दिन में 99,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, तो इस पर कैसे दूसरे राज्यों में ऐसा क्या किया जाए कि मरीजों की ठीक होने की संख्या ज्यादा, मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा है इसको कैसे रोका जाए, जो मशीनरी हमारे पास है जो उपलब्ध है उसको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उन तक सही तरीके से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल जी व्यवस्था कर सकते जी बिल्कुल बिल्कुल। तमाम तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय का भाव है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन इस खबर पर नजर बना के रखें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं, संवाद जारी है और इस बैठक में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक कर रहे हैं।